Gracias. No, 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 no. हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है एक बार तेजी के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे और उसके बाद फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग सोना रंजन शंभु कुमार निराला जी कृष्णा कुमारी दुर्गा कुमारी जी तो ग्यारह बजे से भी आपकी क्लास होनी है जी हाँ आज ग्यारह बजे भी होनी है तो आप लोगों की दो क्लास आज है तो इसको किया जाए बढ़िया है ना स्टार्ट करें अच्छा मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कम अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो क्या सबको पता नहीं थी कि क्या क्लास की होने वाली है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं अभिषेक राजपूत आप जो आपने नोट्स बनाया हुआ है उस नोट्स से जो है देखिए कि उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए पहले दो चार बार ठीक है तो नोट्स आप प्रिपेयर कर लें अच्छे से रिवीजन कर लें तो क्वेश्चन बनने लगेंगे नोट्स बनाएंगे नहीं आपने अच्छा सुबह आया है नोटिफिकेशन सर इकोनॉमिक्स आप पढ़ाइएगा नहीं मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स आपके जितेंद्र सर पढ़ाएंगे तो बनाया है तो फिर उसको कीजिए जी हाँ अभी भी, भी मैं स्टूडियो आया हूं आपको दिख रहा होगा कि मेरे आंखों में भी नींद तैर रही है <laughs> मतलब मैं अर्ध निद्रा में हूं अभी चलिए आ गए हैं कई लोग आ गए नहीं आ, ये सब्जेक्ट उन्हीं को मिला हुआ है देखा जाएगा कोई भी पढ़ाया मैं पढ़ा दूंगा तो चिंता मत कीजिए हालांकि ये सब्जेक्ट उन्हीं को मिला है नींद तैर रही है ना आँखों में <laughs> स्टार्ट करें सभी आ गए हैं नहीं डेली इसी टाइम पर नहीं होगी आज हो रही है बस डेली इस टाइम पे आपकी क्लास नहीं होगी तो चलिए स्टार्ट करके जरा बताइए कल क्या हुआ था कल मेरे समझ से फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी थी ना फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों ने देखा था कल आज उसके आगे पढ़ना है ड्यूटीज तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे भाग पांच भाग चार का आपने देख लिया भाग पांच आज स्टार्ट करेंगे संघ ठीक है चलिए, तो संघ स्टार्ट करना है यानी केंद्र केंद्र सरकार को हम पढ़ेंगे और केंद्र सरकार आप जानते हैं कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति को हमको पढ़ना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेडिंग डालेंगे सभी लोग भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले भाग पांच लिखिए भाग पांच पार्ट फाइव भाग पांच में क्या है संघ है संघ मतलब केंद्र यूनियन के बारे में यहां पे हम सबको समझना है जितने भी संघ के अधिकारी हैं उनको देखेंगे तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है राष्ट्रपति का। डालेंगे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति हाँ भाग चार कंप्लीट हो गया प्रदीप जी भाग चार यानी डीपीएसपी हो गया है भाग चार का यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में सारी सारी बातें हम जानेंगे बिल्कुल एक एक करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति हेडिंग डाल लिया होगा आप लोगों ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत है क्या भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इज नॉट ओनली द हेड ऑफ द कंट्री पूछा जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेड ऑफ द कंट्री कौन है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो आपको लगाना है क्या हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट होते हैं बट ही ऑल्सो द हेड ऑफ द थ्री सर्विसेस तीन प्रमुख सेवाएं जो है थ्री सर्विसेस कौन है मतलब सेनापति होता है वो थल सेना वायु सेना, जल सेना का है ना तो ये होता है नेक्स्ट एंड द हेड ऑफ विधायिका का प्रमुख होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का प्रमुख होता है एंड जुडिशरी न्यायपालिका का भी यहां पे लिखा है हिंदी में भी कि राष्ट्रपति न केवल देश का प्रमुख होता है बल्कि वह तीनों सेवाओं का प्रमुख और विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का भी प्रमुख होता है पहला पॉइंट पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति आप जानते हैं सारी कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में नहीं थोती है सारी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थोती है और अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 52 से 62 भाग पांच लिख लिया आपने अनुच्छेद बावन से लेकर बासठ तक राष्ट्रपति से संबंधित है ठीक है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है फर्स्ट सिटीजन होता है देश का प्रथम नागरिक देश का प्रथम नागरिक तीनों सेनाओं का प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रमुख प्रमुख सेनापति प्रमुख यह सेनापति होता है ये प्रमुख होता है होता है किसका कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर विधायिका और न्यायपालिका यानी आप जानते हैं कि सरकार के तीन अंग हैं सरकार के गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं सरकार के तीन अंग हैं सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं लेजिस्लेचर विधायिका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका और इन तीनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति ऐसे नोट करेंगे ठीक है इन तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है अब कुछ प्रमुख जो है आर्टिकल्स को देखेंगे पहले तो कि कौन कौन से आर्टिकल्स यहां पे इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल सिक्सटी टू टू तो बाद में आएगा सिक्सटी पहले आएगा प्रमुख अनुच्छेद ये नोट कर लिया आप लोगों ने ये क्या होता है सरे तीनों को एक, एक, बार बता बार बता तीनों के एक बारे में बता दें देखिए देश का फर्स्ट सर्जन होता है पहले तो जो इनकी पत्नी होती है या इनके पति होते हैं या पत्नी है तो प्रथम महिला उनको कहलाती है।, है ना प्रथम महिला कहलाएंगी और ये प्रथम नागरिक है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है सेनापति होता है राष्ट्रपति यानी कि एयरफोर्स नेवी एंड थल सेना आर्मी और सरकार के तीन अंग जो होते हैं सरकार के तीन अंग होते हैं कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका है ना इन तीनों का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है यानी कहीं ना कहीं राष्ट्र का प्रमुख होता है किसी भी ने देश का राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और कार्यपालिका की सारी शक्तियां कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती राष्ट्रपति यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए पी राष्ट्रपति में निहित होती है यानी अगर हमारे देश का कोई भी कार्य होगा निहित होती जो सरकार के नाम से होता है देश के नाम से होता है हमेशा उस पर साइन और मुहर राष्ट्रपति की लगती है मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होते हैं सारे काम किसके नाम से होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे क्लियर तक ये नोट कर लिया सबने विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में थोड़ा बताइए देखिए विधायिका का मतलब है संसद दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा विधायिका का मतलब है जो कानून बनाते हैं बनाए विधि बनाए कानून बनाए उनको विधायिका बोलते हैं और विधायिका बनाने का काम केंद्र में किसका है संसद का है और संसद का अंग होता है राष्ट्रपति ठीक है यानी लोक संसद पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनी है लोकसभा राज्यसभा दो सदन है और राष्ट्रपति ये हो गया विधायिका कार्यपालिका का कार मतलब होता है मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद जो वास्तविक मतलब शक्ति नहीं थे जिसमें मंत्रिपरिषद में सारा काम मंत्रिपरिषद होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है तो मंत्र परिषद का भी प्रमुख होता है राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका का और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका ये होता है ये होता है ना कि कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका राष्ट्रपति क्यों शक्ति हिंद क्या कहना चाह रहे हैं आप राम रतन जी शक्ति हिंद मतलब चलिए खैर इसको पहले इसको लिख लिया आप लोगों ने नोट कर लिया इसमें किसी कोई 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 प्रॉब्लम बात ना ना समझ समझ में 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 आई हो हो इसमें शब्द आया आप से मंत्रिपरिषद संसद कोर्ट यस अनिल राज कह रहे पावरलेस होता है नहीं पावर होती है भाई राष्ट्रपति के नाम से ही सारी चीजें होती हैं वहां पर प्रधानमंत्री का साइन नहीं होता है राष्ट्रपति का ही साइन होगा लेकिन राष्ट्रपति को असिस्ट करने के लिए आपने पढ़ाटिकल सेवेंटी फोर में सेवेंटी फाइव में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है तो यस ये वास्तविक शक्ति इसमें निहित नहीं, नहीं होती बल्कि के प्रमुख चलिए हो गया अब लिखिए प्रमुख अनुच्छेद प्रमुख अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति संबंधित प्रमुख जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल्स उनको देखेंगे जैसे पहला है अनुच्छेद पहला अनुच्छेद लिखिए साठ आर्टिकल सिक्सटी अनुच्छेद साठ किसके बारे में बात करता है अनुच्छेद साठ बात करता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ पी पी का शपथ ऊथ आर्टिकल सिक्सटी वन पी पर महाभियोग इंपीचमेंट आगे मैं बता दूंगा इंपीचमेंट का प्रोसेस पूरा पी पर महाभियोग और कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट है फिफ्टी फोर अनुच्छेद चौवन अनुछेद चौवन राष्ट्रपति पी का निर्वाचन है कैसे इनका निर्वाचन होता है उसके बारे में है। नोट कीजिए पी का निर्वाचन और आज कल फिफ्टी टू आपने नोट ही किया सबसे पहले तो फिफ्टी टू नोट करना था अनुच्छेद बावन अनुच्छेद बावन में है कि राष्ट्रपति की विषय बात है कि मतलब राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसे लिख लीजिए आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है तो आर्टिकल फिफ्टी हो जाएगा अनुच्छेद बावन में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा ठीक साठ में राष्ट्रपति के से संबंधित शपथ के बारे में ओथ के बारे में जानकारी मिलती है इकसठ के में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसके बारे में और राष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन के बारे में आर्टिकल फिफ्टी फोर में कहा गया क्लियर है। यहां है से क्लियर है चलिए तो ये कुछ प्रमुख जो है वो आर्टिकल्स हैं चलिए अब जैसा कि यहां पे आपने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है आर्टिकल सिक्सटी वन यस यस वहां पे विधि के समानता है और विधियों का समान संरक्षण है तो विधियों का जो समान संरक्षण है उसके तहत आता है राष्ट्रपति उसका है जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अधिकार होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल तथा केंद्र और राज्यों के जो सदस्य संसद के सदस्य होते हैं उनकी खैर है। करूंगा? करूंगा को पूरा कैसे होता है महाभियोग लेकिन उससे पहले ये आप नोट कर केवल देश का प्रमुख होता है इसके नीचे पॉइंट नोट कीजिए नोट कीजिए वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाज प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद संविधानिक प्रमुख कौन था राजेंद्र प्रसाद एंड द कंट्री हैज गॉट 15 प्रेसिडेंट्स सो फॉर एंड द करेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज द फिफ्टींथ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यानी कि जो अभी वर्तमान समय में अब तक टोटल पंद्रह राष्ट्रपति हो चुके हैं पंद्रहवी राष्ट्रपति कौन है इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं राजेंद्र प्रसाद से लेकर के वर्तमान समय तक द्रौपदी मुर्मू क्लियर हां क्या कह रहे हैं आंसर मो क्वेश्चन आंसर मो क्वेश्चन विपुल बताइए क्या क्वेश्चन है ये पहले नोट कर लीजिए उसके बाद क्वेश्चन पूछिए नोट करेंगे सभी लोग पूरा राष्ट्रपति एकदम समझ में आ जाएगा आज देखिए एक ही क्लास में पूरा राष्ट्रपति क्लियर कर दूंगा कहीं कोई आपको संशय कोई परेशानी नहीं रहेगी सेकेंड पॉइंट हिंदी में लिखवा दीजिए अच्छा सेकेंड पॉइंट हिंदी में चलिए सेकेंड पॉइंट हिंदी में लिख लीजिए 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब इसके संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे देश को अब तक पंद्रह राष्ट्रपति मिल चुके हैं और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पंद्रहवीं राष्ट्रपति राष्ट्रपति न केवल देश का प्रमुख होता है बल्कि वह तीनों सेवन सेवाओं का प्रमुख विधायिका ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने ये लाइन तो नोट है इसको मत नोट कीजिएगा वापस ठीक, अगला पॉइंट क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंट्री एंड श्रीमती देवी सिंह के पहले राष्ट्रपति जहां थे वहीं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त बता देंगे बता देंगे उसका भी समय आएगा ना विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में बताया जाएगा नरायन जी, अभी जो समझना है उसको समझिए पहले उसको मैं बता दूंगा डोंट वरी कोई भी प्रेसिडेंट दोबारा क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बन सकता बन सकता है राजेंद्र प्रसाद जी दो बार प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी ही दो कार्यकाल तक पूरा प्रेसिडेंट थे वो बन सकता है कितनी बार भी बन सकता है कोई दिक्कत नहीं ये दो बार है अमेरिका में कि दो बार ज्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हमारे यहां कितनी भी बार बन सकते हैं आप ये पॉइंट नोट किया आपने पॉइंट नोट हो गया लास्ट वाला चलिए नोट कर लिए मुन्ना जी, मुन्ना जी, बताइए नोट कर लिया आपने तीसरा पॉइंट मुन्ना जी को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूं अभी नोट नहीं किए देखिए वेट कर लीजिए कर लीजिए आराम से कर लीजिए बिल्कुल नोट कर लीजिए तुरंत <laughs> मुन्ना जी लिख देते हैं वेट लिखिए <laughs> लिखिए आराम से लिखिए कोई दिक्कत नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है आज दोनों क्लास मिला के पढ़ा देंगे राष्ट्रपति उसमें क्या है लेकिन आज राष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा आपको और बिल्कुल ऐसा नहीं कि तेजी के साथ पढ़ाऊंगा बहुत आराम से बिल्कुल बहुत आफत नहीं है आराम से पढ़ना है नहीं नहीं चार से छह क्लास नहीं अभी फिर है आपकी क्लास ग्यारह बजे से ग्यारह से बारह आपकी क्लास है आप लोग क्लास ग्यारह से बारह है अभी नौ से आठ से नौ फिर ग्यारह से बारह जरा बताइएगा लिख लीजिएगा तो बैठे रहे चुप्पी साथ के सर लोकसभा राज्यसभा विधानसभा राज्यसभा क्या कह रहे हैं दिलीप जी राज्यसभा में बहुत कंफ्यूजन आज कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगी हालांकि जब हम संसद पढ़ेंगे राज्यों के विधानमंडल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगी तो दूर हो जाएगी सब चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है अगला पॉइंट लिखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इज सॉरी प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एवरी फाइव इयर्स एंड कैन रिजाइन एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट गेट्स सैलरी ऑफ फाइव लैक्स पर मंथ एंड एलोंग विद दिस इज प्रोवाइडेड विथ मेडिकल सर्विसेस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर लाइफ राष्ट्रपति हर पांच साल में चुना जाता है और किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है, है। महाभियोग को प्रति माह पांच लाख का वेतन मिलता है और इसके साथ ही उन्हें जीवन भर के लिए चिकित्सा सेवा और आवास की सुविधा प्रदान की जाती यस अनिल बहुत बढ़िया अनिल राज लिखे हैं यहाँ पे की प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा स्कूल टू पार्लियामेंट ये बिल्कुल सही लिखा इन्होंने संसद जो है संसद यानी पार्लियामेंट संसद के तीन अंग हैं संसद बराबर लोकसभा संसदा और धन राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद का अंग होता है यानी केंद्रीय विधायिका का अंग होता है राष्ट्रपति पार्लियामेंट का अंग है विधायक yes, मतलब साहब विधायक साहब होते हैं राज्यों में राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा में विधानसभा के सदस्य होते हैं जैसे बिहार में विधान, विधान, मतलब विधान परिषद है, है अब विधान परिषद के सदस्यों को बोला जाता है एमएलसी member of legislative काउंसिल विधायक के बराबर वो भी अपना दर्जा रखते हैं लेकिन नहीं यहाँ बफरिंग तो नहीं हो रहा है रामचतन जी हो सकता है आपके यहाँ कुछ इशू हो नेट का यहां बफरिंग नहीं और लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्यों को एमपी बोलते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधे पार्लियामेंट क्योंकि पार्लियामेंट के दो अंग हैं दो सदन है और एक राष्ट्रपति दो सदन में कौन कौन सा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को सांसद बोला जाता है यानी संसद का अंग बोला जाता है संसद का सदस्य बोला जाता है अभी बताएंगे अनिकेत जी कैसे होता चुनाव धन हो गया मुन्ना जी बहुत बढ़िया लिख लिया आप लोगों ने अगला पॉइंट लिखिए ये देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक की पूरी भागीदारी का अधिकार है लेकिन राष्ट्रपति के निष्कासन में विधायक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसको अभी मत लिखिएगा इसको अभी मत लिखिएगा क्योंकि तो अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को अभी इसको मत लिखिएगा ठीक बताऊंगा अभी तब लिखना है चलिए कहां थे हम लोग यहां थे अब हेडिंग डालिए अब हम बिल्कुल डायग्राम से समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है डायग्राम से बिल्कुल समझिए क्योंकि इसका डायग्राम में बहुत जरूरी है बनाना राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक है ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के निर्वाचन पहली चीज ऐसे बीच में ल, इसको ऐसे बॉक्स बनाइए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है फिफ्टी फिफ्टी प्रस्तावक और अनुमोदन करता है बैक प्लीज संभव कुम, कुमार संभव कुमार ठाकुर लीजिए बैक कर दिया चलिए हो गया न? अब देखिए पहली चीज तो राष्ट्रपति के मतदान किस प्रक्रिया से होता है तो गुप्त मतदान होता है गुप्त मतदान होता है जितने भी लोग मतदान करते हैं उसमें कोई ये नहीं बताता कि मैंने इनको किया है वोट कैसा होता है गुप्त मतदान होता है पहला चीज ठीक है राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो गुप्त होता है पेटी में बढ़िया डाल देते हैं अपने लिख करके किसके नाम से डाला है वो कोई नहीं जानता है चलिए दूसरा एकल संक्रमणी मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है ठीक है तीसरी चीज है कि इसमें आनु, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ ही साथ यहां पे ऐसे प्लस करके लिख लीजिए आनुपातिक, आनुपातिक स्टीवी सिस्टम, स्टीवी सिस्टम इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अभी मैं बता देता हूं इसको ये क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा मतलब इनका चुनाव तो होता है एकल संक्रमणी के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेकिन पद्धति कौन सी होती है पद्धति होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पी आर सिस्टम एस टीवी सिस्टम पी आर विस्टीवी सिस्टम प्रपोशनल प्रपोशनल रेसियो अनुपातिक प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमण संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है कैंडिडेट कैंडिडेट कौन कौन हो हो सकता सकता है क्या पूछ रहे हैं कोई भी हो सकता है अभी पूरा मैं बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए ठीक है चलिए आप राष्ट्रपति अभी फिलहाल नहीं बन सकते अभिमन्यु जी क्योंकि आपकी उम्र ही नहीं हुई या हो गई हो कितनी उम्र है आपके अभिमन्यु जी पैतीस साल हो गए अगर पैंतीस साल हो गए तो लड़ सकते हैं चुनाव इस बार लड़ लीजिएगा किसी पार्टी से अरे भाई मास्टर साहब छत्तीस लड़ सकते हैं इस बार जदयू वगैरह से बातचीत कीजिए कैंडिडेट बनाए अपना तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा पीआर आर विद एस टी सिस्टम क्या होता है जैसे मान लीजिए एक कहीं कोने में लिख लीजिएगा इसको समझ समझ लीजिए बस पी सिस्टम है क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे जैसे मान लीजिए कि दो मेंबर्स हैं दो लोग खड़े हुए ए और बी और भी मान लीजिए खड़े हुए खड़ा कर देते हैं किसी को सी तीन लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े अब कोई भी कैंडिडेट आता है कैंडिडेट मतलब एमएलए देता है वोट और एमपी देता है वोट ठीक है अब मान लीजिए ये क्या करता है ये प्रोपोर्शन के अनुसार अपना वोट करता है जैसे पूछा जाता है वरीयता किसको आप दे रहे हैं तो किसी पहले पर्सन ने यानी कि कोई एक्स है कैंडिडेट उसने इस प्रकार से दिया कि इनको पहले पर रखा इनको तीसरा दिया इनको दूसरा दिया वरीयता इसको बोलते हैं ठीक अब कोई वाई आया वाई आया उसने क्या किया उसने इनको तीसरे पर रखा इनको पहले पर रखा इनको दूसरे पर रखा फिर कोई नेक्स्ट कैंडिडेट आया तो उसने इनको जो है दूसरे पर रख दिया इनको पहले पर रख दिया इनको तीसरे पर रख दिया अब ये पूरा काउंट किया जाता है कि आपने किसको जो है प्रोपोर्शन के हिसाब से किसको ज्यादा वरीता दिया है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो बार एक एक यही पाए हैं तो ये राष्ट्रपति बन जाएंगे अगर सिर्फ इनका हम वोट काउंट करें तो बी राष्ट्रपति बन जाएगा समझ गए यही है पी आर विथ एस टीवी सिस्टम उन्ना जी लेट कैसे रहते हैं अच्छा सही से बताइए कितना पेन का इस्तेमाल करते हैं आप नोट्स बनाते में, बनाने में। तीन चार पेन लगाते होंगे सजा करके रंग बिरंगी कॉपी ये समझ गए सब लोग चलिए आगे बढ़ेंगे ये तो आपने देख लिया भाई ये होता है अब इनको वोट करते कौन है संसद की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य संसद के इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्य जो होते हैं मनोनीत नहीं लिख लीजिए मनोनीत नहीं वोट करते इनको जो नॉमिनेट होते हैं वो वोट नहीं करते हैं बल्कि निर्वाचित मनोनीत नहीं करते संभव जी सात पे न्यूज करते हैं <laughs> सात पे न्यूज करते हैं हाँ जैसे बीपीएससी में दिलीप जी समझ गए आप चलिए तो ये हो गया डन चलिए आगे बढ़े अब विधा, अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यों में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जितने भी यूनियन टेरिटरी जहां पर केंद्रशासित प्रदेश कहां तीन अभी बता दूंगा मैं राज्यों के के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स राज्यों विधान, के विधानमंडल सॉरी राज्यों के विधानसभाओं के राज्यों तथा तो केंद्र केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य विधानसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं निर्वाचित और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके आ, मेंबर्स इसको वोट नहीं करते राष्ट्रपति को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुन करके विधायक जी आते हैं ना वही वोट करते हैं यहां पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैं इलेबरेट कर दू केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केवल तीन कौन सा दिल्ली क्योंकि तीन ही शासित प्रदेश में विधानसभा है ध्यान रखना है दिल्ली में है पुदुचेरी में है पुदुचेरी और जे एंड के जम्मू कश्मीर मतलब इन तीनों शासित प्रदेशों के जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं राष्ट्रपति वो लोग करते हैं वोट चलिए हो गया लद्दाख में नहीं है विधानसभा कहां पर लिया लद्दाख में विधानसभा जम्मू कश्मीर में पुदुचेरी में और दिल्ली में तीन ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं हाँ इन तीन केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम होता है चलिए हो गया ये चीज डन अच्छे से बिल्कुल लिख लिया इसे, सजा करके जैसे मैंने लिखा है आप लोग तो और सजा लेंगे दिल्ली पुदुचेरी का केरला है अच्छा करता है संसद वाला एक बार बता दीजिए अच्छा संसद वाला नहीं सुन में संसद वाला कहां पर है ये अब देखिए संसद का मतलब यहां पे मैंने बताया संसद में जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन है ना लोकसभा है और राज्यसभा है है ना लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं मनोनीत नहीं नॉमिनेटेड नहीं जैसे कि राज्यसभा में बारह सदस्यों का को मनोनीत करता है राष्ट्रपति तो मनोनीत नहीं वो वोट नहीं करेंगे और अभी तक लोकसभा में एक सदस्य होता था एंग्लो वो वोट नहीं करेंगे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे क्या भाई मेरा बाल बाल एकदम निकल जा रहा है देख रहे हैं खलास हो जा रहा है, बाल रहा है किसी दिन एकदम इतना खाली ना हो जाए मुझे टेंशन समझ में आया तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल वोट करते हैं इनको सात दिन से इंद्रधनुष बनाते हैं विधान परिषद भाग नहीं लेता है जी एक जी मैंने बताया तो कि विधान परिषद जो छह राज्यों में है बारह मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है राष्ट्रपति करता है इलेक्ट अभी तो बताऊंगा मैं आगे अभी आगे बताया जाएगा ना कैसे इलेक्ट करते हैं चलिए ये, ये चीज हो गया लिख लिया आपने अभी कश्मीर में कहा चुनाव कहां हुआ कश्मीर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ कहां होगा ना डन बहुत बढ़िया डन तो कर देते हैं आप लोग ये तो है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलिजिबिलिटी की राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता क्या चाहिए इसको क्या बोलते हैं और इलिजिबिलिटी को योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता अभी किसी ने पूछा था ना बनने के लिए योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए पहला भारत का नागरिक हो भारत का नागरिक हो जरूरी नहीं जरूरी नहीं कि जन्म से हो इसका क्या मतलब है मतलब जरूर आप भारत के नागरिक हो बस जरूर नहीं कि आप जन्म से भारत के नागरिक हैं जरूर नहीं है कि आप जन्म से भारत के नागरिक है बस भारत के नागरिक जैसे अमेरिका में क्या है अमेरिका में आप प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का सिर्जन हो अमेरिका का सिर्जन हो यानी जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है जरूरी नहीं कि जन्म से हो भारत का नागरिक है ना जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो पहला चीज चलिए दूसरा चीज क्या है न्यूनतम उम्र मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए पैंतीस वर्ष मिनिमम एज थर्टी फाइव ईयर्स कई बार सवाल पूछा गया मिनिमम एज अदनान सामी भी बन सकता है यस अदनान स्वामी राजीव अदनान सामी भी बन सकता है क्योंकि इंडियन सर्जन है वो अच्छे कुमार नहीं बन सकते खैर राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता उम्र 35 वर्ष अब नेक्स्ट अगला क्या है लोकसभा सदस्य लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए बनने की योग्यता लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और नेक्स्ट केंद्र अथवा राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में लाभ के पद पर ना हो लाभ के पद पर कार्यरत ना हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है लाभ के पद पर ना हो लोकसभा की योग्यता क्या है जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो उसमें योग्यता देखेंगे ना हम लोकसभा संसद पढ़ेंगे तो उसमें योग्यता देखेंगे हाँ गवर्नमेंट जॉब में ना हो चलिए तो ये हो गया डन आपने देख लिया राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए मुन्ना जी बहुत बढ़िया इस बात इस बात पहले ही आपने लिख लिया समझा है कि नहीं जो समझा रहा था खैर इसमें बहुत समझने की बात नहीं है आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का नामांकन भाई अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो नामांकन कैसे होगा आपका राष्ट्रपति का चुनाव नामांकन नॉमिनेशन अभी कोई बोल रहा था ना कि पचास प्रस्तावक होने चाहिए पचास अनुमोदक होने चाहिए हे डालिए राष्ट्रपति का नामांकन ठीक है चलिए ये क्या है नामांकन मतलब नामांकन मतलब अनुमोदक अनुमोदक या प्रस्तावक कितने पचास पचास अनुमोदक या प्रस्तावक होने चाहिए और ये जो है संसद संसद या विधानसभा जो राज्यों की विधानसभाएं है या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए निर्वाचित सदस्य होने चाहिए मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है होना चाहिए तो आपको कम से कम पचास विधायक या फिर पचास सांसद का लिखित अनुमोदक अनुमोदन लगेगा एजुकेशन कुछ नहीं है एजुकेशन नहीं है यहाँ पे भारत हमारा इतना प्यारा इतना सरल है बताइए देश हमारा कोई एजुकेशन वहां पे नहीं दिया गया कि न्यूनतम दसवीं पास हो तो अनुमोदक या प्रस्तावक सिर्फ होने चाहिए पचास और ये पचास जो अनुमोदक होने चाहिए वो संसद के सांसद होने चाहिए निर्वाचित या फिर विधायक होने चाहिए लेकिन निर्वाचित होने चाहिए पहला दूसरा दूसरा है जमानत राशि होती है कि आप जैसे जानते होंगे जमानत राशि क्या बताना इसमें एक जमानत राशि होती है वो कितनी होती पंद्रह हजार रुपए राष्ट्रपति बनना है तो जमानत राशि कितनी होती है पंद्रह हजार जमानत राशि अनिल राज बहुत बढ़िया और देखिए ध्यान से अगर आपने कुल डाले गए मत अगर जितने भी लोगों ने मत दिया कुल डाले गए मतों का मतों का यदि एक बटे छह भाग प्राप्त नहीं किया प्राप्त नहीं किया मिनिमम वोट मतलब प्राप्त नहीं किया तो जमानत राशि जब्त हो जाती तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी एक बटे छह कम से कम वोट आपको मिलने चाहिए ठीक है अब देखिए राजीव ने कहा कि बेवकूफ भी बन सकता है तो अनिल ने कहा हाँ राजीव आप भी ब... राजीव मतलब बेवकूफ है क्या नहीं ये सब आएगा नहीं जमानत राशि वगैरह हो सकता है पूछ ले प्रस्ताव पूछ सकता है लेकिन ये भी सवाल पूछा गया है एक बटे छह कम से कम आपको वोट मिलना चाहिए टोटल अगर आपको मान लीजिए कि सौ वोट है सौ वोट है तो एक बटे छह कितना हो जाएगा सोलह है ना सोलह कुछ तो सोलह वोट कम से कम सोलह लोगों ने आपको वोट तो कम, कम, कम जब्त, जब्त, जब्त हो गया कितना बदनामी होगी जमानत राशि जब्त होगा दोबारा आप वोट नहीं कर ले नहीं पाएंगे जमानत राशि आप देखेंगे प्रधानी में जो लोग मुखिया वाले बनने में उसमें कई लोगों को जब्त हो जाता है ये चीज है जमानत राशि मतलब ये है कि भैया हम राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं यह हमारी तरफ से फीस है नामांकन फीस जमाना तरह से क्लियर अब देखिए राष्ट्रपति का पद कब कब रिक्त हो सकता है पी का पी मतलब प्रेसिडेंट पी का पद रिक्त होगा पी का पद जो है रिक्त होगा खाली होगा कब कब राष्ट्रपति का जो पोस्ट है राष्ट्रपति का जो पद है वो कब कब वैकेट होगा खाली कब होगा चार कंडीशन चार कंडीशन कौन कौन सा चार कंडीशन है इसका पद खाली होने पहला मृत्यु होने पर मृत्यु होने पर दूसरा त्याग पत्र देने पर त्यागपत्र देने पर त्याग पत्र देने पर तीसरा महाभियोग द्वारा इंपीचमेंट द्वारा और चौथा जब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अवैध कर दिया हो राष्ट्रपति के चुनाव ही अवैध घोषित कर दिए हो ये चार कंडीशंस हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा खाली हो जाएगा इन चार कंडीशन में क्या होता है दोस्तों राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है बाकी किसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा ठीक है बाकी किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा हां पांच साल के लिए होते हैं यहां लिख लीजिए कार्यकाल राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है पांच वर्ष राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है फाइव इयर्स का महाभियोग बता देंगे इसके बाद महाभियोग का ही नंबर है हाँ रद्द कर सकते चुनाव देखिए अगर राष्ट्र राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी समस्या हो जाती नोट करके लिख लीजिए इसको नहीं भूल जाएंगे आप लोग यहां नोट करके लिख लीजिए नोट या पी या वीपी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी के चुनाव संबंधी क्या होता है अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी आती है चुनाव संबंधी कोई दिक्कत है अगर चुनाव संबंधी निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करता है सिर्फ यसी ही यसी ही करता है अगर कोई दिक्कत है कोई गड़बड़ी है चुनाव में इन दोनों के तो उसका जो है निर्णय कौन लेगा सुप्रीम कोर्ट ही लेगा कि इनका चुनाव अवैध है या अवैध है जो भी ठीक है ठीके? कोई झगड़ा लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कोर्ट वगैरह नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है मूल अधिकार उसको बोलेंगे उसका चलिए हो गया डन डन है ये अब हम देखेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस को राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है पहले इसको पढ़ लीजिए उसके बाद हम डायग्राम बना के बढ़िया समझ लेंगे इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट ऑफ द समय हो गया है लेकिन मैं देख रहा हूं समय हो गया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये हम देखने वाले ग्यारह बजे इसका मैं आप लोगों को दे देता हूं आर्टिकल सिक्सटी वन के महाभियोग लगाया जाता है यस yes, उसके तहत ही लगाया जाता है अभी महाभियोग से स्टार्ट करेंगे थोड़ा मुझे बता दीजिएगा तो महाभियोग से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना अपनी नेक्स्ट क्लास को समझ में आ रहा है कि नहीं जरा बता दीजिए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं अब राष्ट्रपति पर महाभियोग रह गया है और राष्ट्रपति की शक्तियां रह गई हैं कौन कौन सी है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी उन्हीं को देखना है तब मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह दे दूं मजा आ रहा है राष्ट्रपति पढ़ के अच्छा है एक चीज मैंने देखा है कि कई टीचर्स जो हैं जो पॉलिटी पढ़ाते हैं मुझे छोड़ करके <laughs> मतलब मैं तो राष्ट्रपति से नहीं मैं ये नहीं देखता हूँ कौन सा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे जिनको पढ़ना है वो आएंगे जिनको अच्छा पढ़ना है वो आएंगे बाकी बहुत सारे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति से ही शुरुआत करते हैं वो पॉलिटी क्लास पढ़ाना जिससे कि बच्चे खूब आए हालांकि मुझे इस चीज का टेंशन नहीं रहता है क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे अगर जानेंगे क्वालिटी है टीचर में तब तो आएंगे हो गया डन है इस बार मंजीत सर कैंडिडेट होंगे अच्छा हैंगआउट दे दे रहा हूं मैं देखिए आउट मिल गया सबको धन जी काफी खत्म हो गया इंपॉर्टेंट पोर्शन खत्म हो गया मतलब ये भी इंपॉर्टेंट ये भी है पर जो खत्म हो वो भी इम्पोर्टेंट था तो उसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छा आपको समझ में नहीं आता आज पढ़कर अच्छा लगा बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों तो मिलते हैं अभी ग्यारह बजे तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद जय भारत थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा महाभियोग वाला भी, भी हम ग्यारह बजे समझेंगे ठीक है आज राष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा एक ही दिन में बाय टेक केयर हाँ थोड़ा सा वो उसका ध्यान रखना है क्या वो फीडबैक वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा ना फीडबैक